अस्सलामुअलैकुम। तो आज सुबह जब मैं बाहर गई तो मेरा भाई यहाँ गाय और भैंसों को नहला रहा था। फिर अम्मी ने मुझे कहा कि बाहर से थोड़ा प्याज और धनिया तोड़ लाओ। तो एक छोटी सी टोकरी लेकर चल पड़ी मैं खेतों की तरफ। प्याज अभी छोटे छोटे थे और अब्बू ने कहा था कि इनको अभी नहीं तोड़ना, लेकिन फिर भी मैंने जरूरत के मुताबिक 2-3 तोड़ लिए। और फिर यहाँ से थोड़ा धनिया तोड़कर घर के बाहर वाले नलके पर चली गई इन सबको अच्छे से धोने। इस सब के बाद जब मैं घर गई तो देखा कि अम्मी मकई साफ कर रही और मेरी बहन यहाँ अपना सूट सिलाई कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि घर के कुछ कामों में मुझे भी तो हिस्सा लेना चाहिए, तो कुछ गंदे कपड़े पड़े थे मैंने उनको धो लिया। घर के इन छोटे छोटे कामों में कब आधा दिन गुजर गया पता ही नहीं चला। और अब बारी थी अफतारी बनाने की, तो मैं और अम्मी चले गए घर के पीछे ही कचनार तोड़ने। वैसे सुबह के वक्त तो अच्छी खासी धूप थी और अब आसमान में बस बादल ही बादल है। खैर फिर हमने यहाँ से थोड़ी कचनार तोड़ी और चले गए वापस घर। अच्छा वैसे अगर आप लोगों ने भी कभी ये सब्जी खाई है तो कमेंट में जरूर बताना। खैर अब शाम का वक्त हो गया था और अब वो सारी गाय भैंसों को पानी पिला रहे थे। फिर अफतारी के बाद मैं कुछ देर बैठ गई छत पर और सच में यहाँ इतना सुकून था, आसमान में उड़ते हुए